तो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारी एक और रैंडम वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले कुछ टाइम पहले आई शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड के बारे में। तो जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, डीसी यूनिवर्स से शज़ाम मूवी पहले से एक आ चुकी है, इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसका सीक्वल है। और इस मूवी को मैं थिएटर्स में नहीं देख पाया कुछ रीजंस की वजह से। ये मूवी आई है OTT पे कुछ टाइम पहले ही, मैंने इसको देखा है। आज बताऊंगा इसको आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसका फर्स्ट पार्ट आपको OTT पे अवेलेबल मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से इसका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। बिली बैटसन नाम के एक टीनेजर को पावर्स मिलती है गॉड्स की, जिससे वो शज़ाम बोलते ही सुपर हीरो बन जाता है। तो उसी पावर्स को वो अपनी फैमिली में भी बांट देता है, बाय द वे बता दूं उसकी ऑर्फन फैमिली। तो कुल मिला के हमें मूवी के अंदर 6 सुपर हीरोज देखने को मिल जाते हैं, बेसिकली सभी टीनेजर होते हैं। तो उन सबको ये नहीं पता होता है जो पावर्स वो यूज कर रहे हैं वो किसी और गॉड से चुराई हुई होती है। और जिनकी ये पावर्स होती है, मूवीज के अंदर उनको कॉमेडी वे में त्रिदेवियां बोला गया है, तो वो त्रिदेवियां इन पावर्स को लेने आ रही होती हैं। मूवी टिपिकल सुपर हीरो स्टोरी को फॉलो करती है, ऐसा कुछ बड़ा देखने को नहीं मिलता है मूवी में। लेकिन हाँ, जो इस स्टोरी की विलन्स है उनको थोड़ा अलग रीजन दे दिया गया है, जिसकी वजह से मूवी हमें फ्रेश और न्यू फील होती है। मूवी के अंदर VFX का भी काफ़ी ज़्यादा काम देखने को हमें मिल जाता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ के बाद। तो वार्नर ब्रदर्स ने पैसे तो खर्च किए हैं। मूवी के अंदर जोक्स भी भर भर के डाले हैं, जिसमें कई जगह ऐसी आती भी है और कई जगह ऐसी नहीं भी आती है। और मूवी के अंदर हमें सिचुएशनल कॉमेडी भी दिखाई गई है। अब सुपर हीरोज़ के बेस में ये सब है तो बच्चे ही, तो इन टीनेजर्स की आपस में नोक जो सीरियस मोमेंट्स पे भी नॉनसेंस वाली बातें करना, भाई मूवी में काम करती है ये चीज़। जो मूवी के अंदर इमोशनल सीन्स है, कास्ट की एक्टिंग है अब ग्रेट, नेक्स्ट लेवल तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको बोर भी नहीं करती। अब मूवी के अंदर हमें एक बड़ा कैमियो भी देखने को मिल जाता है, लेकिन भाई DC वालों ने ये कैमियो पहले ही लीक कर दिया इंटरनेट पे। भाई क्यों कर दिया ऐसा? मूवी के अंदर हम वो चीज़ देखते तो हमें मज़ा आता, लेकिन भाई जब मेरे सामने वो सीन आया मुझे कतई मज़ा नहीं आया। मतलब क्या रिएक्शन दूँ इस पर, क्योंकि मुझे ये सीन पहले से ही पता था। ये DC वालों की स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। बाकी मूवी ने मुझे एंटरटेन तो किया है, आप चाहो तो आप भी इसे देख सकते हो। दोनों पार्ट इसके अमेजोन प्राइम पे आपको देखने को मिल जाएंगे एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ में। बाकी वीडियो में आपको कुछ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर्सनली आपको मुझसे कुछ बात करनी होगी तो सोशल मीडिया के हैंडल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू वीडियो में, बाय।